आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी सा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलो करते हैं ब्रोकली को फ्राई। उसके लिए पैन में करना है तेल को गरम, उसमें डालेंगे जीरा और मिर्ची, फिर डालेंगे लहसुन की छोटी छोटी कलियां, उसको लाल कर लेंगे, फिर डाल लेंगे इसमें प्याज, कैप्सिकम, मटर और गाजर। इन सबको सॉटे करेंगे 5 मिनट के लिए, फिर ऐड कर देंगे इसमें ब्रोकली। ब्रोकली को लास्ट में ऐड करना है और उसके बाद फिर नमक भी ऐड कर देंगे। फिर से 5 मिनट के लिए इसको इस तरह से फ्राई करते रहेंगे। लास्ट में ऐड करेंगे पनीर और उसके बाद फिर डालेंगे नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा मैगी मसाला जो कि मेरे हर एक डिश में चला जाता है, और इसको फिर से ढक के छोड़ देंगे और 10 मिनट के लिए लो आँच पर बिल्कुल इसको साइड छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। और इसको इस तरह से बनाओ, एंजॉय करो, रोटी के साथ बहुत ज़्यादा यमी लगेगा। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो। और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ।